अब ऐसा क्या हुआ कि ऐसी स्पीशीज़ ही गायब हो गई जिसने अर्थ पे 16 करोड़ साल तक हुकूमत की थी राज किया था इसके ऊपर वो आखिर लम्हा क्या था चलिए जानते हैं इस लम्हे की कहानी दोस्तों हम इस एक्सटिंक्शन को जानेंगे ज़रूर लेकिन उससे पहले एक चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब डाइनासॉर्स इवॉल्व हो रहे थे यानी कि अभी ये डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ के तौर पे नज़र नहीं आते थे तो ये सिर्फ़ एक से दो स्पीशीज़ पर ही कंस रहते थे एक से दो स्पीशीज़ ही रखते थे यानी इनकी सिर्फ एक से दो स्पीशीज़ थी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम आगे बढ़ता गया और इनकी स्पीशीज़ जहाँ सिर्फ दो नज़र आती थी वहाँ लाखों स्पीशीज़ नज़र आने लग गई अगर आपको कोई बर्ड टाइप ऑर्गेनिज्म दिखती थी तो वो भी एक डायनासोर ही होता था अगर आपको कोई डायनोसॉरस दिखता उस ज़माने में तो वो भी याद रखिए डायनासोर की ही एक स्पीशी थी हर तरफ डायनासोर ही की स्पीशीज़ चलती फिरती हुई नज़र आती थी इसी वजह से डेरोसोर्स तीन बड़े ग्रोप्स में डिवाइड हो चुके थे हर्बी वोर्स कारनीवर्स और ओमीवोर्स जैसे कि आज मुख्तलि स्पीशीज़ हैं अब जब एक्सटिंक्शन आई तो हरबी वर्स पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा जब डायरेक्ट अफेक्ट पड़ा तो हर्बी वर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो कार्नीवोर्स और ओमीवोर्स कहाँ से खाना लेंगे उन पर भी इफेक्ट काफ़ी देर बाद जाके पड़ता है सबसे पहले जो स्पीशीज़ ख़त्म होती हैं वो हर्बी वर्स की होती हैं तो अगर हम देखें वो लम्हे की कहानी कि वो लम्हा क्या था कि डायनासोर खत्म हो गए तो वो था एक पत्थर छोटा बहुत पत्थर नहीं जो कि आप देखते हैं एक बहुत बड़ा पत्थर जो कि 66 मिलियन साल पहले यानी कि तकरीबन साढ़े छः करोड़ साल पहले अर्थ के ऊपर टकराया था अगर आप एटम बॉम्ब्स की पावर को जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन जिसको हम सार बॉम्ब्स कहते हैं इसके स्पेलिंग टी एस ए आर बी ओ एम बी एस होता है मतलब कि ये इसको टसार नहीं पड़ते सार बॉम्ब्स पड़ते हैं ये दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं अब इतने पावरफुल होते हैं कि ये अगर आप एक सार बाम को कहीं भी गिरा दें तो आधे से मतलब कि 75 परसेंट तक 50 परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट तक कॉन्टीनेंट खत्म कर सकता है इतनी इसके अंदर पावर है लेकिन एक अगर एस्टोराइड गिर जाए तो उसकी भला कितनी पावर होती है एक सार सारबाम दो सार बाम नहीं बिल्कुल ही गलत अगर एक मीडियम साइज़ एस्टोरॉयड भी अर्थ के ऊपर गिर जाता है तो अर्थ के ऊपर हज़ार से भी ज़्यादा सार बॉम्ब्स की पावर इम्प्लीमेंट हो जाती है इतनी ज़्यादा पावर लगती है कि जो स्पीशीज इस धमाके में बच गई वो भाई बड़ी लकी थी यानी कि इम्पॉसिबल था इनसे बचने अब ये जो एस्टोरॉड था ये ज़्यादा बड़ा नहीं था ये लाखों किलोमीटर चौड़ा हो ये सिर्फ सिक्स मील वाइड था मतलब कि सिर्फ छः मील ही चौड़ा था ये और इसने इतनी तबाही मचाई अगर सोचें कि अगर इससे भी दस गुना बड़ा एस्टोरॉड टकरा जाए यहाँ पे तो क्या होगा खैर ये एस्टोरॉड एक पैनल जुला पर जाकर टकराता है जिसको हम यूकॉटन पैनजुला कहते हैं अब ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है कि अगर हम उस वक्त यही दुनिया हम उस वक्त हमारी होती और हम अपनी सारे न्यूक्लियर वेपन्स को कंबाइन करके भी एक धमाका करते हैं तो फिर भी ये इसका कुछ ही परसेंट होता इतना बड़ा धमाका था अब जैसे ये एस्टोरॉइड टकराता है तो कुछ इमीडिएट इफ़ेक्ट्स आते हैं जैसे कि सनलाइट का ब्लॉक हो जाना पूरा प्लैनट डार्कनेस में चला जाता है और कहीं भी लाइट का साइन भी नहीं दिखता क्योंकि जो एस्टोरायड टकराता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेब्रिश और जो धुआँ वगैरह है स्मोक वगैरह वो रिलीज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एटमॉसफेयर में फैल जाती है और बाकी सारी गैसेज को कवर कर देती है अब ये जो चीज़ें हैं ये जो सब्सटांस हैं ये सन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सन को पहुँचने भी नहीं देते कुछ इमीडिएट अफक्ट्स तो सुनामीज़ वर्ल्ड फायर्स और एक न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट होता है यानी कि इस इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है अर्थ के ऊपर कि ये एक एक्सट्रीम किस्म के एक न्यूक्लियर अफेक्ट में जा चले जाते हैं और क्योंकि डायनासोर अभी विंटर्स की तरफ विंटर्स के लिए इवॉल्व ही नहीं हुए थे तो इनके ऊपर कोई भी फ़ैदर्स वगैरह तो थे नहीं कि ये विंटर में हाइबरनेट कर सकें हाइबरनेट का मतलब है किसी भी सर्द इंतहाई सर जगह में अपनी खाल का इस्तेमाल करते हुए सो जाना यानी कि विंटर से एक किस्म का बच जाना जो कि डायनोसॉर्स बिल्कुल नहीं कर सकते थे और एक तो वजह यह थी इनकी एक्सटिंक्शन की कि सारे डायनोसॉर्स जम के ही मर गए जो बच भी गए तो खाने की कमी की वजह से मर गए क्योंकि जब ये एस्टोरॉल टकराया तो 75 परसेंट दुनिया की सारी पॉपुलेशन सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई जिनमें ज़्यादातर प्लांट्स भी ख़त्म हो गए जब प्लांट्स ख़त्म हो गए तो जो हर भी वर्ल्ड डाइनासॉर्स थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स खाते थे वो तो सबसे पहले ही ख़त्म हो गए एक्सटिंक्ट हो गए जबकि जो कारनीवोल्स थे उनके लिए अभी भी कुछ ना कुछ जानवर बचे थे खाने के लिए तो उनके ऊपर काफ़ी सालों तक गुजारा करते रहे ले। लेकिन आखिरकार उनका भी फूड ख़त्म हो गया और वो भी एक्सटिंक्ट हो गए फिर आती है की बारी और ओमिबोर्स माना जाता है कि सबसे ज़्यादा देर तक जिंदा रहे इस अजीब फिन के बाद लेकिन कितनी देर मैक्सिमम हज़ार से दो हज़ार साल तक ज़िंदा रहे उसके बाद ये भी ख़त्म हो गए और इस तरह ख़त्म हुए कि कोई स्पीशीज़ भी हमें आज तक डायनासोरस की नहीं मिलती तो दोस्तों ये थी डायनोसॉर्स की एक्सटिंक्शन के पीछे की कहानी आपको एक कहानी कैसी लगी हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगली वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बात